एक आदमी होता है ना, मार खाता है तो उसको लगता है कि कोई तो कमी होगी हमारी, कोई गलती होगी। एक आदमी होता है उसको मारते रहो, उसको पता ही नहीं चलता। दुनिया का एक देश है जापान, 1853 में गुलाम हुआ और 1867 में मॉडर्न जापान बन गया। 14 साल जागरूक जनमानस, जागरूक। हमसे कहां गलती हो रही है यार, हम क्या गलत कर रहे हैं, हम क्यों पिछड़े हुए हैं, हम क्यों परेशान हैं? समझदार जो लोग होते हैं, समझदार, वो अपनी कमियां बताते हैं और दूसरे की तारीफ करते हैं। और मूर्ख जो लोग होते हैं वो अपनी तारीफ करते हैं और दूसरों की कमियां बताते हैं। अगर हमारा घर पूरा ठीक ठाक हो, हमारे घर में कमियां नहीं है, हिंदू धर्म में कमियां नहीं है, और मुसलमान अगर अपनी कमियों को नहीं देखेगा तो उसका आज तो बुरा हाल है ही है। आज कितना बुरा हाल है, ये मुसलमानों की ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी नहीं है। मुसलमानों को चाहिए कि वो आगे आए और बताएं कि ये साहब नहीं, गलत हो रहा है। वो हमारे हैदराबाद के चचा हैं, वो ये नहीं कहते हम पढ़ेंगे, हम चांद पे जाएंगे, हम मंगल पे जाएंगे। वो अलग ही नशा दिए हुए हैं, वो अलग पुड़िया पकड़ाए हैं लोगों को, ये लो भाई। सैयद अहमद खान ने कितना बढ़िया काम किया, मॉडर्न स्कूल की स्थापना की, एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज, जिसको तुम आज एएमयू कहते हो। और अगर ऐसे 10 बढ़िया कॉलेज यूपी में खुल गए होते तो मुसलमानों की कुछ तो स्थिति अच्छी होती, नहीं होती? लेकिन जब आदमी समझदार हो जाएगा तब तुम उसका शोषण नहीं कर पाओगे। जैसे अंबेडकर कहते थे पढ़ो, आजकल के दलित नेता कहते हैं लड़ो। अंबेडकर को तो नहीं लड़ना पड़ा क्योंकि इतने नॉलेजेबल थे, जहां खड़े जाते थे बोलने लगते थे, सामने वाला खुद ही पैर छू लेता था। भैया अब तुम चौराहे पे खड़ा होकर पूरा संविधान बोले जा रहे हो, पूरा आर्टिकल 1 से लेकर बोलना शुरू किया तुम और आर्टिकल 100 पे पहुंच गए एक सांस में। तो वहां से जितना आदमी गुजरेगा वो तुमको नमस्ते नहीं करेगा। भैया तभी तो उस आदमी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जब तुम लड़ोगे तो पढ़ोगे कहां से। लेकिन जब लड़ोगे तब तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा। कहते हैं किसी को बर्बाद करना है तो उसको नफरत सिखा दो। हिंदुस्तान में भी तो यही तो दिक्कत है ना, यहां सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। यहां सिख नहीं रहते, वो माइनॉरिटी में नहीं है। ईसाई नहीं रहते हैं, सब रहते हैं यहां पे। जब तुम किसी दूसरे से दिशा निर्देश लोगे तब तुम्हें दिक्कत होगी। इस देश में कपड़े से तो पता ही नहीं चलना चाहिए कि कौन किस धर्म का है, क्योंकि कपड़ा किस पे डिपेंड करता है, ज्योग्राफी पे। अब सऊदी अरेबिया में अगर तुम ओल्ड मॉन्ग पियोगे तो तुम डेड मॉन्ग हो जाओगे। टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। कल मैंने तुमको बताया कल्चर डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी। ऐसा कुछ लोग कहते हैं मुसलमान लोग जो है सऊदी का आदमी ये सब भैया बहुत गोश्त खाते हैं, तो पालक होता ही नहीं भैया, कैक्टस खाएं। आज धर्मों में कोई खराबी नहीं हुई, ये धर्म का एक्सप्लेनेशन देने वाले लोग हैं ना कि रंग अगर कहीं लग जाएगा तुमको तो आखिरत में वो अंग काट दिया जाएगा, अल्लाह काट देगा। हमारे एक दोस्त हैं जुल्फिकार अली नियाजी, उनके घर पे तो होल सुननी है, वो भी होली के दिन बाहर पूरा टब से भरा रंग वंग रखा जाता है, गुजिया बनती है। हल्दरमो एक जगह पड़ती है गोंडा में, वहां उनका घर है। होली भयंकर उनके घर में खेली जाती।
और हमारे दोस्त दानिश फिरोज शमसी वो होली के दिन निकलते ही नहीं है, बदतमीजी मत करना। और दुनिया में मुझे रंग लगाना सिर्फ उन्हीं को है बस, ये मन की प्रवृत्ति है। जो खेलना चाह रहा है उसको रंग लगाने की इच्छा है, जो कोई आग खड़ा होगा कि भैया लगाओ, तो फिर इच्छा ही मर गई कि जाओ यार। और रंग की होली होती है, गुलाल की, गोबर की नहीं। और होली उसके साथ खेली जाती है जिसके साथ, जो आपसे खेलने के लिए तैयार है, परिवार और मित्रों के साथ। कि नहीं कि सड़क पे किसी को पकड़ लिए, बुरा ना मानो, हम तो मान रहे हैं। और नशा करके होली नहीं खेली जाती, ये सब ये अब मैंने इतनी वीडियो बनाई, राम पे बनाई, कृष्ण पे बनाई, गीता पे बनाई, उसको किसी ने नहीं देखा। मैंने इस्लाम की तारीफ कर दी यार, ये मौलाना अवध ओझा, जिसकी मुसलमान अपने धर्म को नहीं समझ पाया तभी तो परेशान है, तभी तो प्री नहीं निकल रहा उसका। सबसे ज्यादा दुनिया में कौन परेशान है इस वक्त? मुसलमान। ना तो अपने धर्म को समझा और ना समझा पा रहा है। हिंदुओं में भागवत कथा होती है तो किसी को कथा में आने से मना करते हैं, कोई भी आए बैठे सुने तो वो किसी को रोकते हैं कि भैया पंडाल में बाहर लिखा होता मुसलमानों का आना मना है। नहीं, मुसलमान ऐसा कुछ करता ही नहीं कि लोग उसके भी धर्म के बारे में जाने। तुम भी करो कुछ ऐसा, तुम भी ऐसे पंडाल लगाओ, तुम भी कुरान पर चर्चा करो, उसमें सबको आने दो, सबको बैठने दो, सबको सुनने दो, तुमको क्या दिक्कत है? तो जब छुप कर कोई काम करोगे, दरवाजा बंद कर ले दरवाजा, तो 98% मन तो निगेटिव ही है ना। ये पहली गलती मुसलमानों की। ईसाइयों को देखो, बाइबल बांटते रहते फ्री में। तुम बहुत बार देखोगे ईसाइयों को चौराहे पे खड़े बाइबल बांट रहे, यीशु का संदेश फ्री में, फ्री में। उन्हें कोई डर नहीं है कि ये लोग मेरी बाइबल को फाड़ देंगे, उनको डर है ही नहीं इस बात का। कई बार लोगों ने फाड़ा ही, हम बहराइच में थे, एक लड़के ने बाइबल लिया उसको फाड़ दिया, फाड़ने के बाद उस पर चटनी रख दिया, फिर मुस्कुरा रहा था। हमने कहा अगले 10,000 साल तक भीख मांगोगे आप, बदतमीजी काहे कर रहे हैं? उनके बदतमीजी, तुम्हें नहीं सम्मान देना है मत लो। हमने अगले 10,000 साल, एक दो साल नहीं, कुछ लोग का यहां होता है, कुछ लोग का यहां होता है, तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हें जिस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है उसको लो ही मत ना। और सबसे बड़ी मजेदार बात कि जिस आदमी के सामने फाड़ा उसने कुछ नहीं कहा।